सीता झारखंड से हमारे साथ स्वागत है सीता जी आपका जी नमस्कार बताइए अपनी बेटी के बारे में कुछ पूछना था जी बोलिए बताइए तो मेरी बेटी को जैसे कि दिसंबर में का हुआ था तो मतलब उस समय स्विस्ट हो गया था तो फिर इलाज इलाज करवाए तो अभी सात महीना बाद है ना फिर से ब्लीडिंग चालू हो गया था लेकिन आज चौदह दिन हो गया लेकिन पहले से कम है लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ है और अल्ट्रासाउंड भी करवा लिए तो कुछ नहीं मिल अल्ट्रासाउंड में जी। बस इसका पीरियड है ना कम हो गया लेकिन अभी तक वन नहीं हो रहा है दिन हो गया अच्छा उम्र क्या है बच्ची की तेरह साल है ठीक है हाँ देखिए गौन मोरिंगा एक गोंद आता है जिसको मोरिंगा का गोंद या सहजन का गोंद कहते हैं ये ले लीजिए सौ दो सो ग्राम और आ, आधा ग्राम यानी एक चने के बराबर या उससे जरा सा बड़ा ज़्यादा, या दो चुटकी इसका पाउडर बनाइए रॉ मटेरियल ही लेना पिसा पिसा नहीं लेना और इसकी दो चुटकी सुबह दो चुटकी शाम पानी में मिलाकर इसे पिला दिया करें आपकी बच्ची का ठीक होना मुमकिन है तिवारी जी है कानपुर से हमारे साथ स्वागत है आपका सर एक प्रॉब्लम है हमारे एक दो तीन प्रश्न है एक तो खाना खाने के बाद खाना डाइजेस्ट नहीं होता जी तो पेट भरा भरा सा लगता है और दूसरी बात जब एक दो घंटे वर्क कर लेते हैं तो घुटनों के नीचे एकदम कीफन जैसी होती है तो ऐसा लगता है कि आधा आधा घंटा पे पंद्रह मिनट रेस्ट कर लें इसके बाद वर्क करें थोड़ा ये इसके विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं कुछ रिलीफ मिल जाए एज भी बता दीजिए अपनी हमारी सर है। ठीक है हाँ देखिए सबसे पहले तो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए और उसके लिए मैं एक नुस्खा बताता हूँ तो हो सकता है कि खाना और हजम आपका निज़ाम जो सिस्टम है हजम का वो ठीक होने से आप बाकी सब ठीक हो जाए तो एक ही नुस्खा लीजिए हालांकि हर दवा हर नुस्खा मैं बताता हूँ हर किसी के लिए तो देखिए धनिया सौफ सॉट धनिया सौंफ सौट, सौट आंवला ये दो दो सौ ग्राम लीजिए और रॉ मटेरियल लीजिए दो दो सौ ग्राम धनिया सौंफ सौट और आंवला दो दो सौ ग्राम खरीद लें रॉ मटेरियल घर में पाउडर बना लें और एक चीज़ आपको लेनी है कलोंजी का नमक आता है आसान जबान में कहते हैं और नमक कलौजी भी कहते हैं वैसे इंग्लिश में इसको एस्टेक कलौजी कहते हैं तो ये डेढ़ सौ ग्राम इससे मिला दीजिए और ये आप आधे से एक चम्मच यानी तीन चार ग्राम एक वक्त में खा सकते हैं एक वक्त शुरू करिए एक वक्त से फ़ायदा नहीं है तो दो टाइम भी खा सकते हैं लेकिन इसके जो मैंने नतीजे देखे वो ये कि जिस वक्त से आप खाते हैं उसके एक घंटे के अंदर ये फ़ायदा शुरू कर देता है और पेट के सिस्टम ठीक करता है ये वरम हो तो वो निकाल देता है और सूजन निकाल देता है और अगर इन्फेक्शन हो तो वो हटाता है अच्छा पेट का ही नहीं अगर किडनी का भी इन्फेक्शन है लीवर का भी इन्फेक्शन है ये जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी कहलाते हैं उनकी रिपेयर करता है लीवर को ठीक से काम करने पर मजबूर करता है मैदे को आंतों को किडनीज को और इसके नतज अच्छे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करें और ये जो मैंने आपको बताया जितना अभी रॉ मटेरियल ये खत्म होते होते आपको फायदा होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर है अमन हमारे साथ स्वागत है अमन आपका नमस्कार जी जी नमस्कार जी यादव मुझे ना दो प्रश्न पूछने हैं पहला तो मेरी बहन है, मेरे है उसको ना की हो गया कुछ दिनों से ऐसा लगता है तो है, खड़ी है तो सांस ऐसी चलने हो जैसे भाग के चढ़ता नहीं आते साफ ऐसे होना शुरू हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा की क्या प्रॉब्लम है ठीक है दूसरा सवाल दूसरा, दूसरा मेरा खुद दूसरा मुझे फाइल की प्रॉब्लम है ठीक हाँ जी तो मेरे वहाँ गुर्दे के पास स्वेलिंग रहती है अगर मैं सूखती हूँ तो स्वेलिंग पेट तक बहुत हो जाती है कि मुझसे खाना भी नहीं खाया जाता कसा रहता है पेट लैटरिंग तो आती है रोज आती हूँ बट अब पास आती है ऐसे लगता है कि घुमड़ हो गया अंदर पस के गोड़े पड़ गए ऐसे फील होता जी ठीक है आ, इनकी बहन की उम्र कितनी है फोर्टी अच्छा देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ और दोनों लोग खाना आ, दोनों बहनें और आप भी ए, लें और उनको भी दें आंवला 200 ग्राम धनिया 200 ग्राम सौंफ 200 ग्राम और सौठ 200 ग्राम और डेढ़ सौ ग्राम इसमें मिलाना है नमक कलौजी कलौजी का एस्टेक होता है जिसे नमक कलौजी या कलौजी का नमक कहते हैं ये ज़रा मुश्किल से मिलता है इन सबको घर में पाउडर बनाएं और मिक्स करके आप आधा आधा चम्मच खाएं शुरू में दोनों बहने पानी के साथ पानी खूब पिएं और पांच बार गर्म पानी दोनों को पीना है आप देखें कि जिस दिन से आपने इसे, इसे इस्तेमाल करना शुरू किया इसको उस दिन से आपको फ़ायदा शुरू होगा और ये मटेरियल खत्म होते होते आप दोनों को फायदा होना मुमकिन है नेक्स्ट कॉलर हैं राजस्थान से जितेंद्र हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्ते मैम जी नमस्कार मैम मेरे क्या है हमारे पापा हैं उनके अस्सी साल उम्र है उनकी और उनको क्या है हार्ट में ब्लॉकेज बताए हैं सेवन ब्लॉकेज बताए गए हैं क्या उम्र बताई आपने एटी एटी जी 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 ठीक है अस्सी साल और एक हमारे छोटे ब्रदर है मेरे से वो उसकी उम्र है तीस वर्ष उनके जी? क्या है कि जो सेविंग में है ना उनके बिल्कुल सफेद बाल हो गए अचानक से हुए वो तो ये दो प्रॉब्लम है मैम जी जी भाई को क्या नजला रहता है आज थोड़ा बहुत रहता है सर वो क्या उनके यही मतलब एलर्जी टाइप जुकाम रहती है तो देखिए जिनको भी नजले की वजह से बालों में प्रॉब्लम हो उनको नज़ले का इलाज करके ही अपने को फ़ायदा पहुंचाना बेहतर है जब तक नज़ले का इलाज नहीं होगा इनको फ़ायदा नहीं होगा तो नज़ले के लिए आप देखिए एक नस्खा बता रहा हूँ वो आप लिख लीजिए लिसोडा, अलसी और उन्नाप ये सौ सौ ग्राम लें और सौ ग्राम और बीस ग्राम इसमें किचन में एक चीज़ होती है जिसे पीपलें कहते हैं लंबी लंबी होती हैं एक दो इंच की इसमें मिला के पाउडर बनाएं और रोजाना सुबह निहार मुँह एक चम्मच खिलाएं और ज़रूरत पड़े तो शाम को भी खिलाएं खट्टी चीज़ें सारी छोड़नी पड़ेंगी ठंडी चीज़ें तो इनका इलाज पाँच छः महीने में मुमकिन है और इसके लिए एक दवा भी आती है अगर आपको झंझट लगे तो माजून आर केयर भी पाँच महीने खिलानी होती है जब तक ये उसको लगातार नहीं खाएंगे तो नज़ला ठीक होना नामुमकिन है और सबसे ज़रूरी है आपके पिताजी का इलाज होना देखिए सात जगह ब्लॉकेज है और मैं एक ऐसा नुस्खा अक्सर बताता हूँ कि जिसको भी ब्लॉकेज हो ब्लड प्रेशर हो हार्ट डिज, डिजीज़ हो या दिमाग की डिजीज़ हो ये तीनों में काम करता है लहसुन अदरक और लींबू का एक एक लीटर जूस निकालना है घर पे आप निकाल सकते हैं और एक लीटर आपको जैतून का सिरका लेना है इन सबको मिक्स कर दीजिए और तीन चम्मच सुबह नाश्ते के बाद तीन चम्मच रात को खाने के बाद पिताजी को पिलाना शुरू करें और आपको हैरत होगी कि ये चार लीटर जो मैंने आपको बताया है मटेरियल ये खत्म होते होते आपका डॉक्टर कहेगा कि इनका हार्ट नहीं है ये बहुत अच्छा काम करता है आपको खुद बनाना है जैतून का सिरका असली लीजिएगा और आपके पिताजी सेहतमंद हो सकते कॉलर है।, है मीना झारखंड से हमारे साथ स्वागत है मीना आपका जी नमस्कार जी यादव मैं भी सलाम पेश करता हूँ बताइए क्या सेवा सर मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि जब मैं प्रेगनेंसी के बाद जैसे मैंने ठंडा पानी सब ले लिया था मुझे जानकारी नहीं थी सबके बारे में कैसे कैसे करना चाहिए तो मैंने नॉर्मल ठंडे पानी से नहाना और ठंडा पानी पीना और मतलब जैसे 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 रहना चाहिए वैसे ही मतलब कोई प्रकोशन मैंने नहीं लिया और कुछ उसके वो कारण ना मेरा पेट जैसे मैं प्रेगनेंसी में मेरा पेट निकला हुआ था वैसा का वैसा ही रह गया और पूरा पेट मेरा उसी टाइप का लगता है जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि यहाँ काफी खराब लगता है कोई लोग टोकता भी है तो कोई अगर पाए हो तो जरूर जरूर देखिए बहुत आसान नुस्खा है आप इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं ज़ीरा तीन सौ ग्राम और तीन सौ ग्राम जीरा तीन सौ ग्राम धनिया और दो सौ ग्राम आपको लेना है आंवला इन सबको पाउडर बनाएं और इसमें एक चीज़ है कि कलौजी का नमक मिल जाएगा आपको कलों का नमक एस्टेक होता है कलौजी का और इसमें डेढ़ सौ ग्राम मिलाइए ये मटेरियल जब आप अपने घर पर पाउडर बनाएं और एक चम्मच यानी तीन चार ग्राम सुबह तीन चार ग्राम शाम गर्म पानी से खाया करें और दिन में क्योंकि आपने बहुत ठंडा पानी पिया दिन में पाँच छः गिलास गर्म पानी ऐसा गर्म पानी जैसे चाय की चस्कियाँ लेकर पीते हैं ऐसा पिया करें और मुमकिन हो तो एक घंटा धूप में चलें चाहे एक घंटा एक साथ ना चलें तो आधा आधा घंटा करके पंद्रह पंद्रह मिनट करके चलें और अपनी खुराक को आधा कर दें जितनी खुराक है आपकी चार रोटी खाती हैं दो कर दीजिए और कैलरीज से बचें एनिमल फैट से बचें तो आपका पेट और जिसम बहुत सुडोल और जो बहुत अच्छा सुडोल बन सकता है आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन जी नेक्स्ट कॉलर हैं जयसवाल जी यूपी से हमारे साथ स्वागत है आपका नमस्ते मैम जी नमस्कार जी, जी आदाब देसवाल साहब खैरियत से हैं अरे साहब हम खरीय ऐसी खा रहे हैं हमारे पैरों में कभी कभी एड़ी में दर्द होने लगता है अच्छा कब से तो खा रहे हैं साहब अभी हमने दिन से शुरू की थी इससे पहले हमारी वाइफ इनके साथ थी अच्छा कुछ फायदा हुआ था जी हाँ उनको फायदा हो गया था बहुत बहुत धन्यवाद आप अच्छा तो कोई शिकायत करना चाह रहे हैं या तारीफ करना चाह में रहे हैं ठीक है आप क्या मेहनत तो का, तो का तो काम तो करते है नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं अच्छा ठीक है देखिए आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए अभी दस दिन आपने शुरू किए हैं आपकी वाइफ तो तजर्बेकार है उनको साइट का फायदा हो चुका है और ये आप खा रहे हैं ये आठ दस दिन बाद ही फ़ायदा करती है तो अभी शिकायत तो मत करिए और देखिए एक महीने में फ़ायदा हो जाता है किसी किसी को लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर जड़ ख़त्म करनी है तो चार पाँच महीने ये दवा खानी चाहिए आपको भी तजर्बा हो गया इस दवा का आपकी वाइफ को फ़ायदा हुआ है और ऊपर वाले का बहुत एहसान कि उसने मेरी इज्जत रख ली आपकी नज़र में ये नुस्खा बहुत कामयाब है और आप भी लिए आपकी वाइफ ने भी लिया आपको तो भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं और खाइए मैं दुआ भी करूँगा कि आपको भी आपकी पत्नी की तरह फायदा मिले आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से जी नमस्कार स्वागत है आपका हेलो जी नाम बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं रमेश नाम है दिल्ली से बात कर जी। जी रमेश भाई बताइए मैं पूछना चाह रहा था मेरे ना बा ठीक है करीब सात छह सात साल से रहता है ठीक क्या मसला है एज और बता दीजिए साल अच्छा देखिए जहाँ आप चार पाँच साल से परेशान हैं, वहाँ आप मुझे चार पांच महीने दीजिए यूनानी को ये यूनानी एक ऐसा प्राकृतिक इलाज है जिसके रॉ मटेरियल से ही आपको फायदा हो जाता है और किसी किसी को दवा भी लेनी पड़ती है देखिए एक तो ऐसे बैठा और ऐसे ये एक्सरसाइज करें ये आपके लिए दो चार मिनट ज़रूरी है रोज़ाना और ऐसे ऐसे ये भी दो चार मिनट ज़रूरी है ये आपको करनी है और कौन स्याह ले लीजिए सौ दो सौ ग्राम कहीं असली मिल जाए तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाइए और ये सौ ग्राम ख़त्म होने से पहले आपका ये मस्त ठीक होना मुमकिन है